एक बार मंदिर में भगवान का एक सेवक बोलता है, हे प्रभु, आप रोज रोज ऐसे ही दिन भर खड़े रहते हैं तो आप थक जाते होंगे। एक दिन के लिए मैं आपकी जगह खड़ा हो जाता हूँ और आप मेरी जगह जाकर कहीं घूम आइए। भगवान उस सेवक की बात मान जाते हैं और सेवक से बोलते हैं कि जो भी प्रार्थना करने आए, बस तुम उसकी प्रार्थना सुनना, पर बोलना कुछ नहीं। मैंने सबके लिए कुछ सोच रखा है। भगवान अपने सेवक से यह कहकर वहां से चले जाते हैं। सबसे पहले एक व्यापारी आता है और कहता है कि हे भगवान, मैंने एक कारखाना लगाया है, उसे खूब सफल बनाना। वो माथा टेकता है कि तभी उसका बटुआ वहीं पर गिर जाता है और वो बिना बटुए के ही वहां से चला जाता है। सेवक बेचारा यह देखकर बेचैन हो जाता है। वो सोच ही रहा था तभी उसे याद आया कि भगवान ने उसे कुछ भी ना कहने के लिए कहा है, जिस वजह से वो चुपचाप यूं ही खड़ा रहता है। फिर कुछ समय बाद एक भूखा आदमी आता है और कहता है कि हे भगवान, खाने के लिए कुछ नहीं है और मुझे बहुत ही जोरों की भूख लगी है, कृपया करके मेरे लिए खाने का कुछ बंदोबस्त करें। वह भगवान से यह सब कह ही रहा होता है कि तभी उसकी नजर फर्श पर पड़ती है, जहां उसे उस व्यापारी का बटुआ दिखाई देता है और वह भूखा व्यक्ति भगवान का प्रसाद समझकर उस बटुए को लेकर वहां से चला जाता है। सेवक उसे रोकना चाहता था, लेकिन जैसा कि भगवान ने उसे कहा था कि तुम्हें कुछ नहीं कहना, उस वजह से वह बिल्कुल चुपचाप यूं ही खड़ा रहता है। कुछ समय बीत जाने के बाद मंदिर में एक नाव वाला आता है और भगवान से विनती करता है, हे प्रभु, मैं एक लंबी समुद्र की यात्रा पर जा रहा हूं, मेरी यात्रा सफल करना। वह नाव वाला अपनी प्रार्थना कर ही रहा होता है कि तभी वहां पर वह व्यापारी जिसका कि बटुआ खो गया था, वह पुलिस के साथ वहां पर आ जाता है और उस नाविक को दोषी मानकर उस नाविक को ले ही जा रहे होते हैं कि तभी वह सेवक यह सब देख नहीं पाता और आखिरकार वह बोल पड़ता है कि वह बटुआ नाविक ने नहीं बल्कि उस गरीब आदमी ने चुराया है। और सेवक के कहने पर पुलिस गरीब आदमी को पकड़ लेती है और जेल में बंद कर देती है। धीरे धीरे यूं ही रात हो जाती है। रात को जब भगवान आते हैं तो सेवक सारी कहानी उन्हें सुनाता है। इस पर भगवान कहते हैं कि तुमने कोई काम नहीं बनाया है बल्कि सबके काम बिगाड़ दिए हैं। भगवान बोले कि वो व्यापारी गलत काम से व्यापार कर रहा था। अगर उसका बटुआ किसी भूखे को खाना देता है तो इससे उस व्यापारी का थोड़ा सा पाप कम हो जाता और उस गरीब व्यक्ति का पेट भी भर जाता। और रही बात उस नाविक की जो यात्रा पर जा रहा था, वहां पर तूफान आने वाला है, अगर वो जेल में होता तो उसकी जान बच जाती। सच में तुमने बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी है। कभी कभी जिसे हम दुख समझते हैं, असल में वो हमारे भले के लिए होता है। सेवक को अपनी गलती का एहसास हो गया और उसके मन में एक नई विचार धारा भी बन गई कि जो होता है सब अच्छे के लिए होता है। दोस्तों, जब भी हमारे सामने कोई समस्या आए तो उसे घबराए नहीं, ना ही उसे दुख का नाम दे और ना ही उस समस्या के कारण खुद को या फिर दूसरों को बेचैन करें। जबकि हमें तो ये सोचने की जरूरत है कि जो भी हो रहा है इसके पीछे भगवान हमारे साथ कुछ न कुछ अच्छा जरूर करने वाले हैं। बस अपनी पूरी ताकत सिर्फ और सिर्फ एक बात पर लगा दें कि आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है वो आपके अच्छे के लिए हो रहा है। दोस्तों, इस पर किसी ने खूब कहा है कि मैं सिर्फ अपने सौभाग्य को मानता हूँ, दुर्भाग्य नाम की इस दुनिया में कोई भी चीज नहीं है, क्योंकि जो होता है अच्छे के लिए होता है। इसका मतलब हमारे साथ
अगर कुछ बुरा हो भी रहा है, बुरा लग रहा है, तो वो बुरा नहीं है। आज भले ही वो बुरा लग रहा हो, आगे आने वाले समय पर हमें ये पता चलेगा कि वो भी हमारे अच्छे के लिए ही हुआ था। दोस्तों, बुरा वक्त भी आना बहुत जरूरी है। अगर बुरा वक्त आपकी जिंदगी में कभी आएगा ही नहीं, तो आप कभी भी अपने अच्छे समय की कीमत को नहीं जान सकेंगे। इसलिए बुरे वक्त का आपको शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि वो आपको असल मायने में आपकी जिंदगी के हर लम्हे की एक अलग पहचान देता है। और तो और दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, और जो होने वाला है वो भी अच्छा ही होगा। इसलिए दोस्तों, कभी भी इस बात को लेकर के कभी अपने मन में संकोच मत रखिएगा कि आज आपका समय बुरा चल रहा है, बल्कि आपका समय हमेशा ही बहुत अच्छा चल रहा है। बस आपको उसे अच्छी नजर से देखने की जरूरत है। तो इसलिए अपनी सोच को सिर्फ और सिर्फ यहीं तक सीमित कीजिए कि आपके साथ जो कुछ हो रहा है या होने वाला है या फिर हो चुका है, वो सब आपके लिए अच्छा ही है। उम्मीद है दोस्तों कि आपने आज की इस वीडियो से जरूर कुछ न कुछ सीखा होगा। तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को भी जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं ऐसी एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।